ओके फाइन, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। सो याद है किसी को कल मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? मुझे कोई एक आके और पूरा बताएगा कि कल रिकैप बताएगा कि कल मैंने क्या पढ़ाया था। मैम जितना आता उतना बता दे, जितना हाँ श्योर श्योर, जितना आता उतना ही पढ़ेंगे। याद है मैम। मैम कल आपने एक्चुअली कम्युनिकेशन यूनिट स्टार्ट करी थी, उसमें आपने बताया था सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन था वो बताया था। सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, इट्स अ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑर्डर्स, फीलिंग्स एसेट्रा अमंग टू और मोर पर्सन। जब दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच पे जो भी बात होती है उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एक सेंडर का होना और एक रिसीवर का होना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड, इसका इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट था, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी होनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सिर्फ हम ऐसी अपनी बात रखेंगे और सेंडर और रिसीवर को समझ में नहीं आएगी बात, तो इट्स नॉट ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिकेशन। सेकेंड, आपने बताया था कम्युनिकेशन आई थिंक सो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है। जब आप और मैं अब बात कर रहे हैं, इट्स लाइक अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। दूसरा एक कम्युनिकेशन होता है जो हम अदर मीन्स होता है हमारा, जस्ट अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इनडायरेक्ट, जब हम फेस टू फेस नहीं होते। एक करेक्टरिस्टिक आपने बताई थी कि इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंडलेस प्रोसेस है, ये रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। और कम्युनिकेशन किसी भी दो लोगों के बीच में हो सकता है, इधर आप कह सकते हो एनिमल्स के भी बीच में जो बातचीत होती है, ह्यूमन या एनिमल्स एनिमल्स, तो वो भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन है। आपने बताया था फिर कम्युनिकेशन एक बातचीत के जैसे भी हो सकती है और एक सिंबल के रूप में भी हो सकती है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में भी आपने बताया था। सो वर्बल जैसे हम बात कर रहे हैं, सिंबल जब हम जेस्चर्स वगैरह यूज करते हैं, तो दैट इज अ यू कैन से अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इतना याद है बाकी। और मैम आपने यूनिवर्सल कम्युनिकेशन बताया था जो हम यूनिवर्सल, हमारे घर में बैठ के किसी के भी साथ कर सकते हैं। आजकल हम जैसे हम दूसरे देशों में भी, अदर कंट्रीज में भी बात कर सकते हैं। ये एक पॉइंट आपने बताया था, यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। सो most यस, of the आउट ऑफ communication कंट्री is में होता है मैम। एक अनअवॉइडेबल, या अवॉइड नहीं कर सकते। एंड कम्युनिकेशन आल्सो मे बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आल्सो, एंड इट इज आल्सो सोशल एक्टिविटीज, एंड इट इज आल्सो कंटीन्यूअस प्रोसेस। वी कांट स्टॉप इट द कम्युनिकेशन बिटवीन, एंड सम वे वी जस्ट या कम्युनिकेट इन अ other means in a way, many ways. So this is the feature of communication. मैम इसमें टू वे कम्युनिकेशन भी बताया था आपने, जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की बात को अगर समझते हैं तो वो टू वे कम्युनिकेशन में आता है। हेलो, शेयर। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। शेयर नहीं हो रही है।
मैम देयर इज नो वॉइस, मैम की आवाज आ नहीं रही है कि मुझे ही नहीं आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही है, तो आई थिंक सभी को नहीं आ रही है आवाज, किसी को नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है और स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। नहीं, आवाज तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मैम आप अभी देखिए और आवाज अभी आई है, बस वो भी ब्रेक हो रही है। मैम म्यूट है आपका, प्लीज चेक। मैम म्यूट है, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रहा है। हो गया मैम अभी, हो रहा है आ गया मैम, आ गया जी मैम। और आपको मैं भी दिखाई दे रही हूँ कृष्णा? यस मैम, जी मैम। ओके फाइन, तो कल थोड़ा सा आपने किस किस ने बताया कि कल हमें मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में बहुत ज्यादा। मैम आपकी सुन आवाज ब्रेक हो रहा है। नो मैम बहुत ज्यादा हो रही है मैम ब्रेक। आई थिंक नेटवर्क इश्यूज। अच्छा is it okay? No ma'am, no ma'am, no ma'am. Okay, wait. मैम आप बोलिए एक बार थोड़ा सा और, कुछ फिर समझ में आएगा। आ रही है अभी, अभी नहीं है। आप बेटर है? हाँ जी, हाँ ठीक है। हाँ जी मैम बेटर है, प्लीज कंटिन्यू। आप लोगों की खातिर अपना डेस्टिनेशन ही चेंज कर दिया मैंने, रूम ही चेंज कर दिया। थैंक यू। हाँ मैम आपकी ये वॉइस। ओके नाउ इज इट ओके? यस मैम। ठीक है, तो अभी जाइए स्क्रीन पे और फटाफट क्विक में क्विक रिकैप कोई एक मुझे बताएंगे। उस वक्त आई वाज नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग। क्विक रिकैप कौन बताएगा मुझे कि कल मैंने क्या पढ़ाया, ताकि आपके माइंड में परमानेंटली फिक्स हो जाए, कम्युनिकेशन नाम की चीज पे आपको स्ट्रगल ना करना पड़े। मैम मैंने बताया था, आई थिंक शायद आपको सुन, हाँ वॉइस ब्रेक हो रहा था। ठीक है मैम, कल आपने ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड बताया था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन डेफिनेशन। सो एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या होता है? इट्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ऑर्डर्स, फीलिंग्स। जब दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो वो इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। कभी भी सिंगल जो होता है वो कम्युनिकेशन नहीं होता। सेकेंड है, इसमें सेंडर और रिसीवर का होना जरूरी है, इट्स अ टू वे प्रोसेस। दूसरा आपने पॉइंट बताया था, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सेंडर और रिसीवर को बात बोलता है और रिसीवर को समझ में नहीं आता, तो इट्स नॉट अ, यू कांट से इट्स अ गुड कम्युनिकेशन, इट्स नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और सेकेंड है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है, कभी भी एंड नहीं होता। सो कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, इवन वर्बल और नॉन वर्बल। जब हम आपस में बात कर रहे हैं, आप और मैं अभी बात कर रहे हैं सबसे, इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम सिंबल के रूप में किसी से बात करते हैं, किसी जेस्टर्स के रूप में बात कर सकते हैं, सो इट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर एक पॉइंट और बताया था आपने, इट्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है। और अगर जब हम अदर मीन्स या यूट्यूब या ऑनलाइन अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं अदर मीन्स, तो वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है। और एक पॉइंट बताया था, व्हाट इज अ यूनिवर्सल कम्युनिकेशन। जब हम कहीं पे भी किसी भी जगह इधर स्पेस में या कहीं भी हम बात करते हैं अदर रादर देन अपने स्पेस के अलावा कहीं भी, तो वो होता है यूनिवर्सल कम्युनिकेशन होता है। दीज आर द सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। और इधर कम्युनिकेशन सिर्फ दो ह्यूमंस के बीच में नहीं हो सकता, अगर हम एनिमल्स से भी बात कर रहे हैं, दो एनिमल्स आपस में बात करते हैं, जब दो एनिमल्स आपस में बात कर जाए इधर इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स या जो केमिकल्स अपने से रिलीज करते हैं उससे भी वो अपने से बातचीत कर सकते हैं या वॉइस से बात कर सकते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन रहता है। या एक ह्यूमन किसी एनिमल से बात करता है वो भी एक कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्टिव तभी होता है जब दूसरा उसको अच्छे से समझ सके।
ये शायद कुछ पॉइंट्स आपने बताए थे, गुड बाकी आई एम नॉट गुड वेरी गुड वेरी गुड वेल एक्सप्लेन्ड, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे किया आपने. तो कहने का मतलब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन का एंटायर मीनिंग होता क्या है, राइट. आगे जो एडवांस लेवल पे है, वर्बल, नॉन वर्बल, सिमेंटिक, ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि लास्ट वाला जो पढ़ा हुआ होता है तो दिमाग में परमानेंटली फिक्स हो जाता है. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपने इतना भी पढ़ लिया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया था, टू और मोर पर्सन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसा अभी आपने एक्सप्लेन किया, ये सब ठीक है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स में ही ये भी आता है. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का अर्थ अप्रत्यक्ष होता है. हिंदी वाले बहुत सारे होंगे, हिंदी जिनको हिंदी में पढ़ते हैं जो लोग, yes, ma'am. तो इसमें मैंने पॉइंट्स हिंदी के भी डाले हैं, आप एक वर्ड में समझ जाएंगे कि एक्चुअली कम्युनिकेशन होता क्या है. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन जो सीधा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है. It is not necessary in communication that the receiver and giver of information should be face to face with each other. Means face to face communication करना important नहीं है, important है communication. तो कैसे हो सकता है? Phonic हो सकता है, right? Telephone पे, mobile पे जो हम बातें करते हैं, communication can be both direct and indirect. Direct communication means face to face conversation, while indirect communication through the other means. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई एक एग्जांपल बताइए मुझे आप में से. मैम किसी बात को पास करना. इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है? ईमेल्स के थ्रू आई वीडियो नहीं, ये तो हम प्रोफेशनल वे में बता रहे हैं, कुछ पर्सनल वे में कैसे बताएंगे? देखिए, वन पर्सन टू अनदर और अनदर पर्सन टू थर्ड पर्सन. हाँ, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. जैसे दो फ्रेंड्स हैं, आपस में फाइट हो गई दोनों की, और बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या कहते हैं हिंदी में, बीच का जो बीच में होता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं, यानी कि मीडिएटर. मीडिएटर क्या कर रहा है? आपकी बातें उस तक पहुंचा रहा है, उसकी बातें उस तक पहुंचा रहा है, और आप दोनों को पता है कि हमारा कम्युनिकेशन पहुंच गया वहां पे, हमने जो बोला वो उनको रिसीव हो गया आपका, क्योंकि आपका इंटेंशन ही यही है कि आप उसको जाके बता दो, राइट. तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, यानी कि आपकी फ्रेंड से आपको बात करनी है लेकिन आप डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि झगड़ा हो रखा है ना आपका, तो आप कैसे बात करेंगे? इनडायरेक्टली, यानी मीडिएटर को पकड़ेंगे, किसी एक को, वो ऐसा जो दोनों का कॉमन फ्रेंड है, तो वो आपकी बातें उस तक पहुंचाएगा, उसकी बातें उस तक पहुंचाएगा, तो वो हो गया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. समझ में? अब ये झगड़े से माइंड कॉन्सेप्ट आपका बैठ गया होगा, कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का. ठीक है, हर चीज में जब आप एक एग्जांपल सेट करके चलते हैं ना, तो आप उन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट मैम? क्या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में आता है, जैसे कि सपोज कोई पर्सन हमारे पास खड़ा है लेकिन हम उस बहुत ज्यादा उससे गुस्सा है उसकी किसी बात से लेके, तो हम उसको हार्श वर्ड ना कहते हुए उसको सिर्फ घूरना या उसको ऐसे जेस्टर्स दिखाना, तो वो कौन से कम्युनिकेशन में आएगा? वो नॉन वर्बल में आ गया. ठीक है. अच्छा, वो अभी जो हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट मीन्स मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, वो क्या हो गया? डायरेक्ट कम्युनिकेशन. अब मैं जैसे आप हैं, तो आपको मुझे कुछ मैसेज देना है और मैं आप तक पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैं एक मीडिएटर चुनूंगी कि मेरी बातें आपको पहुंचा दें, राइट. तो मैंने एग्जांपल क्या दिया आपको कि टू फ्रेंड्स हैं, बहुत फास्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, उनकी बीच में अनबन हो गई है, फाइट हो गई है, तो मीडिएटर कौन? एक कॉमन फ्रेंड, जो आपका कोई कॉमन फ्रेंड है दोनों का, उसको मीडिएटर बनाएंगे आप, वो आपकी बातें उस तक पहुंचाएगा, उसकी बातें आप तक पहुंचाएगा, तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. समझ गए? Got it? Yes, ma'am. It is so easy to understand. ठीक है, continuous process, अविराम प्रक्रिया क्या होता है? Continuous communication is an endless process, as is the case with business where the manager continuously assign work to his subordinate, tries to know the progress of the work and gives direction. यानी हम ऑफिस में जब काम करते हैं, तो ऑफिस का काम क्या होता है? कितना आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो ऑफिस में काम करते होंगे अलोंग विद नेट प्रिपरेशन एंड ऑल, राइट.
तो जब आप ऑफिस में होते हैं तो कई बार आप लोग बोलते हैं राहुल सर हाँ टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग क्लास करने के लिए, या जो भी है बहुत सारे लोग होंगे आप में ऐसे जो जॉब करते होंगे, तो वो क्या हो गया ऑफिस में क्यों आप टाइम नहीं निकाल पाते क्लास करने के लिए या पढ़ने के लिए? वहां पे लागू होता है अविराम प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप इतना काम में बिजी हैं, यहाँ से वहां वहां से वहां, आपका काम खत्म ही नहीं हो रहा है, आप अपने बिजनेस में लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो वो अविराम प्रक्रिया हो गया जिसकी वजह से आप बाकी चीजों को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? जिस चीज को आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस प्रोसेस हो गया अविराम। अविराम का मतलब क्या होता है? ना रुकना, राइट? कंटिन्यू करते रहना, लगातार चले रहना। चलते रहना, ठीक है? तो वो हो गया अविराम प्रक्रिया। अविराम हिंदी में चलने को क्या कहते हैं? चलना, अविराम चलना या कंटिन्यू वॉकिंग एंड ऑल। तो ये जहां पे रुकाव बिना रुके चलना, ना रुके चलना, हिंदी आपकी ज्यादा अच्छी, लगातार चलना, थोड़ा इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम है यूज ऑफ। लगातार चलना, एक्चुअली हिंदी, सुनते रहना। आप लोगों में से कितने लोग हिंदी वाले हैं सिर्फ यस यस करके बोलिए? यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस आई मैम, थिंक यस मैम, एंटायर टीम इज देयर इन हिंदी एंड हिंदी इज टफेस्ट लैंग्वेज मोर देन इंग्लिश। जो हिंदी है, हिंदी अभी भी नहीं आती मैम। सॉरी, मिक्स मिक्स सही है मैम, मिक्स चलती है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि प्योर हिंदी होते हैं जो, वो हमें भी नहीं आते मैम। जो कुछ टफ वर्ड्स होते हैं हिंदी के हाँ, वो कुछ हमें टफ इंग्लिश वर्ड्स में नहीं समझ आएंगे, आते मैम। एग्जैक्टली नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यस मैम, हाँ, मैं कहने का मतलब कि कहाँ थी मैं? हिंदी, हिंदी जो है इंग्लिश से ज्यादा टफ होता है। जिन लोगों को लगता है ना कि इंग्लिश बहुत टफ लैंग्वेज है, नहीं हो पाएगा, हम बोल नहीं पाते, हमारे अंदर फ्लुएंसी नहीं है, सबसे बड़ी हेजिटेशन, कुछ लोगों को फेस टू फेस इंग्लिश में बात करने में बहुत हेजिटेशन होता है, राइट? हेजिटेट करते हैं यार, हम बोल पाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। तो कहने का मतलब, लेकिन मैं समझती हूँ, और मैं क्या समझती हूँ एक्चुअली में, बात यही है कि हिंदी इंग्लिश से ज्यादा टफ है, एंड बोथ आर लैंग्वेजेस। लेकिन मैम जो फीलिंग हिंदी में आती है वो इंग्लिश में नहीं आ पाती। करेक्ट मैम, आप करेक्ट बोल दिया, हिंदी में क्यों इतना अपनापन लगता है, इंग्लिश में नहीं लगता है अपनापन का। बिकॉज वो हमारी मदर टंग है ना, दैट्स व्हाई हम बचपन से उसी लैंग्वेज में लेकिन पढ़े हैं। हिंदी ऊपर भी डिपेंड करता है कि जैसे अभी चल रहा है तो वो दोनों अच्छे लगते हैं, अब योग से पढ़ेंगे तो वो सिर्फ हिंदी में ही अच्छा लगेगा, इधर अगर आपको इंग्लिश भी अच्छे से आती है। इंग्लिश बेटर है इसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। हाँ उसके लिए तो, बट जो अभी चल रहा है मैम पढ़ा रही है, आई थिंक ये बेटर है, दोनों को समझ में आ जाएगा हिंदी। मिक्सअप थोड़ी में ज्यादा समझ नहीं आएगा, जैसे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये ज्यादा समझ आता है इंग्लिश में जो बोलते हैं। हाँ राइट मैम, दोनों मिक्स करके बोलिए। मैं तो लगता है प्रॉब्लम हो गया दोबारा। मैम जैसा आप पढ़ा रही है वैसे पढ़ाइए। मैम क्या डिस्कनेक्ट हो गई? हाँ शायद, नेटवर्क इशू होगा ना मैम का। हेलो गाइस, आई एम हियर, आई एम हियर। मेरा आर यू लिसनिंग? यस मैम। मेरी मेरे लाइट चली गई और लैपटॉप एकदम से बंद हो गया। नो इशू। जितेंद्र आर्या सर, आर यू देयर जी मैम। सर प्लीज रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, बाकी मुझे आप दे दीजिएगा, मैं एडिट करके उसको करवा दूंगी। आप भी कंटिन्यू मैम, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी। चल ओके ठीक है। तो मैं कहाँ थी? मैं ये बोली थी कि रही है आपकी हिंदी रिकॉर्डिंग। स्टार्टेड है। सर जी मैम, जी जी रिकॉर्डिंग कंटिन्यू। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि लाइट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि आपका जो
अब मैं कैसे आपको पढ़ाऊं क्योंकि लैपटॉप तो बंद हो गया। मैम आप हम लोग को ऐसी पढ़ा दीजिए और पॉइंट बोल दो मैम, पॉइंट बता दो, पॉइंट बोल देना। आज की क्लास मैं सिर्फ आपकी ऐसी ही दूंगी जो मैंने कल पढ़ाया था, क्योंकि सारा मटेरियल मेरे लैपटॉप के अंदर है, राइट। तो कम्युनिकेशन का ये जो वैसे भी क्लास ओवर होने वाली है, नहीं अभी बहुत टाइम है, आई थिंक रुकिए मैं कुछ करती हूँ। आप लोग 5 मिनट के लिए आउट हो जाइए, फिर आप 5 मिनट पे एंट्री कर लीजिए। नहीं मैम आप मेरे को व्हाट्सएप कर दे, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप क्या करूं मैं आपको आपका डाटा सर, वो लैपटॉप के अंदर है। स्क्रीनशॉट सांकेतिक भाषा का अगला पॉइंट ये है मैम, दिखाइए। आप सब लोग 5 मिनट का विराम दीजिए, मैं 5 मिनट में एंट्री कर रही हूँ, आप लोग 5 मिनट में फिर से आ जाइए, ठीक है? ओके मैम, बच्चे यही रहेंगे, बच्चे लेफ्ट, ठीक है? हाँ सभी बच्चे यही रहेंगे, मैम आ रही है 5 मिनट में।
हेलो गाइस, हेलो एवरीवन. जी मैम. मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है और यहाँ लाइट भी चली गई थी थोड़ी सी. तो अब मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? यस मैम. जी मैम. जी मैम. चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आई एम सॉरी. चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. चलो ठीक है. रेखा मैम. तो जी बताएं प्लीज. इस रिकॉर्डिंग को बंद करके दोबारा से शुरू कर दे, क्योंकि उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं है, वो सारी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. मैं दोबारा से शुरू कर देती हूँ. तो बंद कर दे. जी.